तो भैया सभी 26 तारीख के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि सेल का टाइम है, यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भयंकर लूट आने वाली है। और मैंने स्मार्टफोन की जब डील्स देखी ना, कसम से ऐसी क्रेजी क्रेजी डील्स आ रखी है, पैसे बचाने का सही टाइम है। मैं जानता हूँ काफी सारे लोग होते हैं ना जो यार पैसे सोचते हैं कि बच जाए, कहीं ना कहीं हम लोग पापा मम्मी जिद ना करें, जो हमारा बजट है उसमें हमें बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो है मिल सके। तो आज मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन की डील्स जो है आप लोगों ने सॉर्ट कर रखी है अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में, अलग अलग प्राइस बजट में। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे को इस बजट में ये फोन खरीदना है। तो करते हैं यहाँ पे शुरू। वैसे अच्छा चॉइस को लेकर बात करना चाहूँगा, क्लियर कर दूँ मैं कि मेरी पर्सनल चॉइस है, आप लोगों को डिफरेंस हो सकता है कुछ और पसंद आ रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए या डिटेल चाहिए। करते हैं बातचीत शुरू। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अंडर 10,000 के स्मार्टफोन डील जो सबसे क्रेजी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा सैमसंग का A14 5G। ये फोन 10,000 रुपए में आपको मिलने वाला है, यानी कि 999 इसकी प्राइसिंग होने वाली है। अच्छा, जितनी भी प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, ये क्लियर कर दूं कि ये इंक्लूडिंग बैंक ऑफर है। तो आप लोग अगर फ्लिपकार्ट परचेस कर रहे हैं तो HDFC कार्ड रेडी कर लो, और अमेजोन ने परचेस कर रहे हो तो SBI कार्ड रेडी कर लो, क्योंकि उसी पे आपको जो है डिस्काउंट लगने के बाद ये प्राइसिंग मिलेगी। तो अभी जो सैमसंग का A14 5G फोन है, ये लगभग 15-16,000 रुपए का लॉन्च हुआ था और फीचर्स के मामले में काफी अच्छा है, लग्जरी देखता है। ट्रिपल कैमरा सिस्टम आपको देखने को मिलता है सैमसंग का, तो क्वालिटी काफी अच्छी कैमरा की यहाँ पर, और एंड्रॉइड 13। साथ ही साथ इसमें आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी, और एक जो 5G फोन की हम बात करते हैं 10,000 के अंदर, ये बेस्ट सेलिंग 5G फोन है जो आपको 10,000 रुपीस के अंडर में अब मिलने वाला है, तो इसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर, जहां पे आपको मिल जाता है पोको का M6 Pro 5G। ये फोन मैंने थोड़ा उन लोगों के लिए रखा है जिनको ना स्टोरेज और रैम अच्छी मिल जाए ताकि वो गेम वगैरह खेल सके। तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर दे रखा है। इस प्रोसेसर पे आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो, बल्कि जैसे हम लोगों ने ये बात की थी सैमसंग के फोन में, वहाँ गेमिंग में आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर 10,000 के अंदर आपको इस फोन में अच्छी खासी गेमिंग करने को मिल जाती है। डिजाइन टर्म्स में काफी अच्छा फोन है, और आई कैन से कि इस प्राइसिंग में काफी किलिंग डील आपको मिल जाती है अगर 5G फोन की बात करते हैं। अब वहीं आपके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है IQ का Z9 Lite। ये भी गेमिंग के मामले में काफी अच्छा फोन है, आपको अंदर परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली, क्योंकि डायमंड सिटी का 6300 5G चिपसेट आपको देखने को मिलता है। कैमरा इसके और भी अच्छे, क्योंकि 50 MP का इसमें आपको सोनी का AI कैमरा देखने को मिल जाता है, IP64 रेटेड भी है, प्रोटेक्शन अच्छी मिल जाती है आपको बारिश वगैरह से यहाँ पर, और प्राइसिंग जो है तो वो आपको क्लियर देखने को मिल ही रही है। तो मेरे हिसाब से 10,000 के अंदर ये तीन फोन आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग अंडर 20,000 वाले बजट में, तो यहाँ पर ना तीन किलर फोन मुझे पर्सनली लगे कि आपको डेफिनेटली मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 16,000 रुपए के प्राइस से शुरू होने वाला नार्जो का 70 Pro 5G। अच्छा, ये फोन रिकमेंड करने का तीन बड़ा कारण है, एक तो डायमंड सिटी का प्रोसेसर काफी अच्छा है इसका, 7300 जो आपको एक कहीं ना कहीं मिड रेंज फ्लैगशिप वाला आपको परफॉर्मेंस दे देता है, साथ में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के साथ साथ कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, इवन जो आपको बैटरी वगैरह वो भी काफी सही मिल जाती है। और इस प्राइसिंग में मेरे हिसाब से आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो दूसरे फोन से मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो 16,000 रुपए के प्राइस में बहुत ही अच्छी डील है विद गुड कैमरा क्वालिटी, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बजट गेमिंग फ्लैगशिप फोन, जो कि आपको मात्र 18,999 रुपए के प्राइस में मिल जाता है, ये है पोको का X6 Pro। प्रोसेसर काफी तगड़ा है इस फोन का, जिससे आप इसमें अच्छी खासी हेवी गेमिंग कर सकते हो, और इस प्राइसिंग में ये प्रोसेसर आपको दूसरे फोन्स में नहीं मिलने वाला, कोई भी फोन आपको ये प्रोसेसर नहीं देगा, पोको में ही मिलता है आपको। प्लस 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले, भाई डिस्प्ले बहुत जबरदस्त है, 64 MP का ट्रिपल कैमरा सिस्टम देखने को मिल जाता है, और IP54 प्रोटेक्शन के साथ में आता है, गेमर्स के लिए एक बहुत अल्टीमेट चॉइस बन जाती है अगर 20,000 में वो ये फोन देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो दिस इज अ गुड फोन। नाउ मूव ऑन करते हैं अंडर 20,000 में एक ऐसे फोन को लेकर जो सब पर्पस के लिए एकदम बढ़िया रहने वाला है, ये है भैया मोटो का एज 50 फ्यूजन। 20,000 रुपए के प्राइस में आपको कैमरा अच्छा मिल रहा है, रेम अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, साथ ही साथ आपको हमें 5000mAh की बैटरी तक भी देखने को मिल जाती है, तो दिस इज द गुड फोन, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल फोन अगर देखा जाए अंडर 20,000 में, जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा किसी भी सेगमेंट में। तो मोटो का एज 50 फ्यूजन आप लोगों के लिए। वेल, नेक्स्ट कैटेगरी में मूव ऑन करने से पहले बस इतने कहना चाहूंगा, भाई सब लोगों के पैसे बचे तो शेयर करना ये वीडियो दोस्तों के साथ भी, और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन जरूर से दबा देना। बात करते हैं 30,000 के अंडर आपको कौन से फोन चेकआउट करना चाहिए। तो मोटो का एज 50 प्रो आपको मिल जाता है विद 12GB रैम, 12GB की रैम है, 256GB की स्टोरेज आपको मिलने वाली है, 50 MP 13 MP और 10 MP के तीन कैमरा लगा रखे हैं यहाँ पर, एंड क्वालिटी इज सुपर ऑसम। 18,000mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, और वो भी सिर्फ आपको 28,000 रुपए के प्राइस में। तो अंडर 30,000 भाई लोग, आप लोगों के लिए ये फोन भी काफी बेस्ट रहने वाला है विद ऑल द स्पेक्स एंड ऑल द फीचर्स।
नेक्स्ट आपके पास एक जो सबसे किलर डील है, इस किलर डील के बारे में तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, मतलब अगर आप सैमसंग फैन है, बजट 30,000 के अंदर है, मत गलती करना सेल में, मिस करा ना अगर तुमने इसको तो तुम रोगे, क्योंकि मात्र 27,999 रुपए के प्राइस में आया है ये फोन। जब लॉन्च हुआ था 50,000 में लॉन्च हुआ था, मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी, ऊपर कार्ट में देखो, डिटेल में वीडियो देखो, क्रेजी फोन है। प्रोसेसर अच्छा है, बिल्ट अच्छी है, कैमरा और भी तगड़े हैं, साथ में जो तुम्हें जो फील मिलेगा ना इस फोन का, बहुत ही प्रीमियम मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से 27,999 में ये सबसे किलिंग डील होने वाली है। अगर आप अंडर 30,000 में फोन ढूंढ रहे हैं, सैमसंग फैन है, मिस मत करना, चेकआउट करना। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो है 40,000, यानी कि जिनका बजट 40,000 तक जा रहा है भैया, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 40,000 तक ही जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए 35,000 में मिल जाएगा आपको OnePlus 12R, एक क्रेजी फोन है भैया, OnePlus का फोन है, और आपको यहाँ पे कैमरा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलने वाला। साथ ही में 4500 की अच्छी ब्राइटनेस है इस फोन की। अब जो प्रोसेसर है वो अपने आप में ही काफी पावरफुल प्रोसेसर है, और आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस फोन में गेमिंग करने में। और अगर आपने ये फोन खरीदा है ना, तो फिर ये बात मान के चलो कि आप 2 साल तो आराम से इस फोन को चला पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो 35,000 में ये क्रेजी डील है, इसको तो आप बिल्कुल चेकआउट करना। नेक्स्ट आपको ये डील भाई, ओ माई गॉड, सैमसंग लवर्स के लिए ये डील तो सबसे तगड़ी है, क्योंकि अगर सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स की हम लोग बात करते हैं, एस सीरीज़ की हम लोग बात करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती है, और S23 सीरीज़ मेरी फेवरेट सीरीज़ रही है, और इसका ये जो मॉडल है ये आपको काफ़ी इंप्रेस करने वाला है, और जो प्राइसिंग है वो है 36,999। सैमसंग S23 आपको इस प्राइस में मिलने वाला है, जो कि 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज, 50MP, 10MP और 12MP का ट्रिपल कैमरा सिस्टम जो क्रेजी फोटोज ले लेता है, और साथ में आपको 4000mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो आपके डेफिनेट अल्टरनेटिव बन जाता है आईफोन के लिए इन द बजट, तो सैमसंग S23 एक बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन आप लोगों के लिए बन जाएगा 40,000 के अंदर वाले बजट में। अब आ जाते हैं हम लोग उन लोगों के लिए जो हैं आईफोन के फैंस भैया। तो आईफोन के फैंस को नाराज नहीं किया जा सकता, अमेजोन पे ये डील आने वाली है, आईफोन 13 37,999 की प्राइसिंग में मिलने वाला। अगर आप लाइफ में आईफोन खरीदना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इससे बेस्ट आपके लिए डील नहीं होगी। क्योंकि अगर इस फोन की बात की जाए, मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा अपने आप में इवोल्यूशन ही फोन था। साथ आपको A15 Bionic चिप देखने को मिल जाता है, 4K डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, अब 256GB का आपको स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलने वाला है इसमें, बट यहाँ पर जो 128GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइसिंग आपको 37,999 मिलने वाली है। एंड आई कैन से कि इस प्राइसिंग में आईफोन 13 से बेस्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं, अगर आप आईफोन के डेफिनेट फैन है तो। अब आ जाते हैं अपन उस वाले प्राइस सेगमेंट में जहाँ पे थोड़ा अमीर लोग जो है पैसा लगाना पसंद करते हैं, यानी कि इतना पैसा जो आपके लिए कहीं ना कहीं 3-4 फोन खरीदने काम आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 50,000 के अंदर जो डील्स आ रखी हैं, जो क्रेजी डील्स हैं, वो है सबसे पहले वीवो की V40। 8GB रैम, 128GB वाला स्टोरेज आपको मॉडल मिलने वाला है, 50MP एंड प्लस 50MP का आपको कैमरा दे रखा है, और कैमरा की जो क्वालिटी है इस बार वीवो में बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। ट्रस्ट मी, आपको जो फोटोज क्लिक करने वाले हो ना, जो पोर्ट्रेट्स निकल कर आने वाले हैं इस बार की दिवाली हो या फेस्टिवल में, आप जब फोटोज क्लिक करोगे आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा फोन है, प्लस जो प्रोसेसर यूज कर रखा है वो भी फ्लैगशिप मिल जाता है, 5500mAh की बैटरी भी दे रखी है। तो 50,000 के अंदर अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं तो वीवो का V40 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन कहीं ना कहीं बन जाता है विद गुड कैमरा क्वालिटी। नेक्स्ट आपके पास है द गेमिंग फोन, द क्रेजी गेमिंग फोन, जो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कोई और नहीं दे सकता, कोई और ब्रांड प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्रोसेसर लगा रखा है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। अभी ये प्रोसेसर लगभग आपको जो है 17,000 लाख रुपए के फोन्स में ही देखने को मिलता है, यानी कि 70 से प्लस वाले फोन्स में ही देखने को मिलता है। बड़ा IQ 12 5G आपको प्रोवाइड कर देता है ये सारी चीज़ें एट जस्ट प्राइस ऑफ ₹47,999, 48,000 रुपए के प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 3000 nits की ब्राइटनेस और 120W का फास्ट चार्जर। ब्लाइंड इस फोन को खरीद लो अगर आप एक कूल गेमिंग फोन खरीदना चाहते हैं, गजब की डील है। अब आते हैं द मेगा सेल डील, जो सब लोग जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि आईफोन 15 की प्राइसिंग जो कम होने वाली थी। वेल, तो आईफोन 15 की जो एक्सक्लूसिव प्राइसिंग होने वाली है, ये प्राइसिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, 5 मिनट, यानी कि अगर आप 26 तारीख को सेल में बैठे हैं तो यानी कि 12:12:10 का जो टाइम रहने वाला ना, 10 मिनट अगर आपके पास है और 10 मिनट में आपने फोन बुक कर लिया तो ये प्राइसिंग आपको मिलने वाली है, जो कि होने वाली है 48,999। 48,999 रुपए के प्राइस में आपको आईफोन 15 मिल जाएगा, जहाँ पे A16 Bionic चिप है, 48MP का आपको कैमरा देखने को मिलता है विद 12MP का सेकेंडरी कैमरा, प्लस सुपर 8 XDR डिस्प्ले है, एंड ऑफ कोर्स आईफोन है
ज्यादा बात करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये डील भी बहुत किलर डील होने वाली है और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए गाइस। सो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, 26 तारीख को सेल आने वाली है अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे। अगर आप अमेजोन पे परचेस करना जा रहे हैं तो आपको SBI का कार्ड अवेलेबल करना है और पहले से ही उसको जो है डाल के रखो ताकि आपको दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट खरीदना चाह रहे हैं तो आप एक काम करें, अपना फ्लिपकार्ट अपना SBI कार्ड पहले से डाल के रखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके 26 तारीख को। और प्लस मेंबरशिप होगी तो ही आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट। वहीं अगर आप प्राइम मेंबर है अमेजोन पे तभी आपको ये सेल का प्राइस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो फिर आप लोगों के लिए सेल जो है 27 तारीख से शुरू होगी। तो 26 तारीख को अगर आपको फायदा उठाना है तो भैया पहले मेंबरशिप खरीद लेना, तभी बेनिफिट मिल पाएगा। अब मैं बात करूंगा द मोस्ट एक्साइटिंग और मोस्ट फेवरेट डील जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और इसको तो मैं पर्सनली बोलूंगा कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, ये फोन आपको मात्र 70,000 रुपये में मिलने वाला है। यानी कि इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है 69999 रहेगी, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, बिल्ट इन एस पेन, 200 मेगापिक्सल का कैमरा और 100x जूम वाला फोन। भाई क्या फोन है ये, इसको तो मैं बिल्कुल भी मिस आउट करना नहीं चाहूंगा। अगर मेरा बजट है 70,000 रुपये खरीदने का तो ये फ्लैगशिप डील आप लोगों के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा में निकाली है, ये फ्लैगशिप फोन आप चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन पे। तो अगर आपको डील्स इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फटाफट से शेयर करो दोस्तों के, ताकि उनको फोन खरीदने में हेल्प हो सके। और साथ में अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और प्लीज भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिल सके हमारी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।